स्वागत है एक बार फिर आपका अपने चैनल ऑल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में। दोस्तों बाथरूम में डोर लगा रहे हैं तो आपके लिए लेकर आया हूं एक बेस्ट डोर जो कि किफायती दाम पर होगा। क्योंकि दोस्तों बाथरूम और टॉयलेट बाथरूम में आप डोर लगाते हैं तो लकड़ी का डोर वहां पर कामयाब नहीं होता, गल जाता है, सड़ जाता है, दीमक लग जाती है। तो वहां पर आपके लिए एक बेहतरीन डिजाइन का डोर लेकर आया हूँ जो कि मेटल का होगा, एल्यूमिनियम में बना होगा। इसका प्राइस भी बताऊंगा, इसके साइज वगैरह भी बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर साइज की अगर मैं बात करूं तो ये जो डोर हमने बनाया है ये 2.5 फिट बाई 6 फिट का डोर है, और ऊपर इसमें हमने जाली का भी ऑप्शन दिया है ताकि हवा वगैरह अंदर बाहर हो सके, उजाला भी थोड़ा अंदर की तरफ आ सके। सेक्शन की अगर बात करूं तो 2.25 का सेक्शन इसमें जो कि हमने इस्तेमाल किया है। नीचे के सेक्शन की अगर बात करूं तो इसमें जो कि हमने 3.25 का सेक्शन इस्तेमाल किया है, जिसको 83 mm बाई 38 mm का सेक्शन भी बोलते हैं। इसके सेक्शन की अगर बात करूं कि जो साइड सेक्शन आप देख रहे हैं तो इस सेक्शन को हमने 43 mm बाई 43 mm का सेक्शन लगाया, यानी कि 2.25 बाई 2.25 का सेक्शन। ये वाला सेक्शन भी हमने 43 mm बाई 43 mm का सेक्शन लगाया है। यहाँ ये वाला सेक्शन भी हमने 43 mm बाई 43 mm का सेक्शन लगाया है। जो नीचे का बॉटम है वो केवल 83 mm बाई 43 mm का सेक्शन इस्तेमाल किया है। चौखट की अगर बात करूं यानी कि जो आउटर का एरिया है, ये चौखट का जो एरिया है, ये इस सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो 63 mm बाई 38 mm का सेक्शन इस्तेमाल किया, जिसको ढाई डेढ़ का सेक्शन भी बोलते हैं, पैताम सेक्शन भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर जो कि हमने बीच वाला एरिया, आप ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं, इसमें हमने सीट का इस्तेमाल किया है जो कि प्योर ACP शीट है, यानी कि भविष्य में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, पानी गिरेगा, कुछ भी चीज गिरेगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एमएम की बात करूँ तो 4 mm की सीट इसमें इस्तेमाल की जाती है। रबड़ की बात करूँ तो EPDM रबड़ का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ताकि हमारी जो कि रबड़ खराब ना हो सके और लाइफ टाइम चलती रहे, पानी गिरने से भी कोई किसी भी तरीके का कोई इस पे असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने SS की जाली का इस्तेमाल किया है, ग्रिल भी इसके पीछे लगाई है। अभी मैं पलट के भी आपको दिखाऊंगा, कब्जे भी दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 4 कब्जे हमने लगाए हैं और एक अंदर हैंडल लगाया है, एक बाहर हैंडल इसमें लगाया गया है। चटकनी की अगर बात करूं तो 8 इंची की चटकनी का इस्तेमाल इसमें किया है, जैसा पूरा ही मैंने आपको बताया। तो टॉयलेट में आप 3 फीट 7 फीट के डोर लगा सकते हैं, 2.5 बाई 6 का लगा सकते हैं, 3 बाई 7 का लगा सकते हैं, जिस चॉइस में आप डोर चाहते हैं उस चॉइस में आपको डोर मिल जाते हैं। तो प्राइस की अगर बात करूं तो इसका जो प्राइस होता हो जाता है वो लगभग 5.5 हजार रुपए का एक डोर हम प्रोवाइड कराते हैं कस्टमर्स को। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा दिखाया कि इसमें जो आउटर एरिया है कौन सा लगाया गया है, डोर का जो सेक्शन है वो कौन सा लगाया है, तो मतलब पूरा ही मैंने आपको बताया। इसमें जो जो चीजें हमने लगाई हैं वो मैंने आपको पूरा बताया। तो प्राइस इसका जो हो जाता है 2.5 फिट बाई 6 फिट का अगर डोर बनवा रहे हैं तो उसका प्राइस होता हो जाता है लगभग 5.5 हजार रुपए, 18 गेज का जो कि डोर हमने बनाया है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो और बनवाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और बनवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा, तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।